शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने ये रास्ता दिखाया मुझे, जिसके ज़रिए मैं आज एक नई लाइफ मुझे मिल गई है। मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। डॉक्टर भोला सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, दीपा मैम का भी, और सभी स्टाफ को बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहती हूँ क्योंकि आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ सबका बहुत बहुत सबने बहुत अप्रिशिएट किया है मुझे, जिसके ज़रिए मैं आज एक नई लाइफ मुझे मिल गई है। जब मैं 4 महीने की थी तभी से मेरा ये बीमारी शुरू हुआ, मतलब पोलियो का, जो मतलब पोलियो ग्रस्त हो गई थी मैं, तब से मेरी पैर से मैं अच्छे से चल नहीं पा रही थी, मेरा पैर लोड नहीं ले रहा था, झुक के खड़ी होती थी, नी लॉक नहीं था, हिप लॉक नहीं था, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, चल नहीं पा रही थी, थोड़ा बहुत चलते ही थकावट आ जाती थी। एक दिन ऐसे ही एक फ्रेंड ने मुझे एक लिंक भेजा यूट्यूब में, मैंने लिंक देखा डॉक्टर भोला सर का, मतलब ये हॉस्पिटल के बारे में जो जो भी पेशेंट आए हैं उन लोगों को जैसे, मतलब उन लोग ठीक हुए हैं, सब कुछ देखा, फिर मेरे ऊपर भी एक विश्वास आया कि मैं भी ठीक हो सकती हूँ, इसीलिए जल्द से जल्द, मैं देर नहीं की, मैं बहुत जल्द से जल्द आ गई इधर। फिर यहाँ आके डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया, 19 दिसंबर 2017 को मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जो जो भी हुआ एक के बाद एक, जैसे कि मतलब मिराकल के जैसा मैं ठीक होती गई, एक के बाद एक ठीक होती गई। जैसे मेरा पैर बहुत बेंड हो गया था, जैसे मैं ऐसे झुक के खड़ी होती थी, अब पूरा स्ट्रेट खड़ी हो पाती हूँ। विदाउट सपोर्ट भी मैं, मुझे मतलब पहले विदाउट सपोर्ट खड़ी रहती तो पता चलता था कि मेरा डिफॉर्मिटीज़ है, लेकिन अब मैं जब खड़ी रहती हूँ कोई बोल नहीं सकता कि मेरे डिफॉर्मिटीज़ है। मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, पूरा ठीक हो गई हूँ अब, कि बस ऊपर वाले की कृपा से, मेरी मम्मी की सपोर्ट, डॉक्टर साहब की सपोर्ट, सभी की सपोर्ट की वजह से आज मेरा मैं इस हालत पे हूँ कि मैं पूरी स्ट्रेट खड़ी हो पा रही हूँ। सबके सपोर्ट के, अगर कोई मतलब सबके सपोर्ट के बिना मैं आज ऐसा नहीं हो पाता। सो मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, पूरे टीम को, डॉक्टर साहब की पूरी टीम को, जैसे कि ड्रेसिंग से लेके सभी में, सभी ने बहुत हेल्प किया मुझे। डॉक्टर साहब तो बहुत ही केयर करते हैं, बहुत ही केयरफुल पर्सन है, मैडम भी बहुत केयर करती है, सिस्टर भी बहुत ही केयरफुल है, जो मुझे बहुत सपोर्ट के साथ, 3.5 महीना कैसे गुजर गया मेरा पता ही नहीं चला, एक फैमिली के जैसा यहाँ पे है। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग बेसमेंट में आते हैं तो पूरा जैसे सब लोग फ्रेंड बन गए हैं, जो पहले था मेरे से पहले था, जो संदीप जी थे, कौसर खान थे, श्रीराम भैया, लिपू, राजशेखर भैया, वो लोग थे पहले मेरे, मतलब वो लोग अभी चले गए हैं, अभी भी जो जो है, ज्योति, दबनीत जी और सरस्वती कुबरा, सभी को, और कोई रह गया क्या, नहीं रहा, सभी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अगर ये हम लोग यहाँ पे नहीं आते तो हमारा टाइम नहीं गुजरता। हम लोग यहाँ पे आके बहुत फन करते हैं, एक मतलब फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी मतलब बहुत मिस करूँगी सबको, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों को, बहुत बहुत मेरी तरफ से थैंक यू। और मेरी मदर जो है, मतलब बहुत केयर करती है मेरी, उनका खुद का तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी वो मेरे साथ आई इधर पे, मेरी सेवा की, मतलब बहुत, उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, बहुत सपोर्ट किया मुझे, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और मैं उस टेक्नोलॉजी का भी थैंक यू करना चाहती हूँ, जिस टेक्नोलॉजी ने मुझे यहाँ पे लाए, और मैं उसकी वजह से आज मैं, मुझे एक नई लाइफ मिली, मैं उस टेक्नोलॉजी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आज मुझे एक नया लाइफ मिला। सो थैंक यू सो मच यूट्यूब। और
जो मतलब इधर पे मैडम है, जो रोमा मैडम, सुधा मैडम, बेरी सर, शुभम सर, सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इन लोगों के मतलब ये लोग अगर नहीं रहते तो पता नहीं मैं यहाँ पे मतलब खड़ी रह पाती कि नहीं पाती, क्योंकि इन लोगों का बहुत बड़ा एक सपोर्ट है मेरे ऊपर। जो ये लोग हर दिन दिखाते रहते, कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ हो गई तो कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई तो ये लोग दिखाते रहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो बहुत 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 थैंक यू उन लोगों को भी, बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरी तरफ से। अगर कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया, आपको ऐसी राह दिखाई, और आप एक पहली ऐसी लड़की हैं जो कि अपने घर से, अपने फादर से, अपने ब्रदर से ऑलमोस्ट रिलेशन तोड़कर आई हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप गए तो हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, ना फाइनेंशियली ना अदरवाइज। उसके बावजूद भी आप यहाँ आए, हमारी इंस्टीट्यूशन में आपने फेथ रखा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और इसके अलावा आप जब आए तो आपने सीधा ही ऑपरेशन करवा लिया, दोबारा वापस नहीं गए। एक लड़की के लिए इतना कॉन्फिडेंस होना कि माँ बाप से, अपने फादर से और अपने ब्रदर से लड़के इलाज करवाना, उसके लिए हम आपको दाद देते हैं। और सबसे ज़्यादा हम आपके मदर के आभारी हैं जो कि यहाँ पे आए आपके साथ, जिन्होंने आपका साथ दिया, और आपने जिस कॉन्फिडेंस से बींग ए गर्ल और इतनी दूर आके अलग से लोगों में इतने कॉन्फिडेंस के साथ इलाज करवाया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी भी हैं और आपको बहुत बहुत उसके लिए थैंक्स भी करते हैं। और उस आपके कॉन्फिडेंस से हम जैसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप जिस तरह से रहे, आप एक सोर्स ऑफ एनर्जी थे मरीजों के लिए, हम सब के लिए। और आपके परमात्मा ने रिजल्ट भी बहुत अच्छे दिए हैं। और आप सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपको ठीक देख के आपके फादर के, आपके ब्रदर के रिलेशन जो स्ट्रेन हुए थे या बिगड़ गए थे, दोबारा से बहुत अच्छे हो गए हैं। और वो आपकी इस बात की तारीफ करते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा लिया, उसके लिए हम आपको दोबारा से बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू।